नमस्कार, सत श्री अकाल, कैम सो दोस्तों। माई सेल्फ अजय सिंह जाखड़, एमडी एग्री मेंटर्स, एंड गाइज अगेन आपके साथ। और अगर देखा जाए तो आज मैं आपके लिए बहुत ही खुशी की एक जो बात लेके आया हूं, इसमें यह है कि कोविड-19 का अटैक चल रहा है। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। लेकिन फिर भी हमारे लिए खुशखबरी आई है, वो ये कि SBI ने एग्रीकल्चर एस्पायरेंट्स के लिए वैकेंसी को रिलीज कर दिया गया है ना। इसमें आपकी 241 वैकेंसीज हैं। इन सभी वैकेंसीज को आपका इंटरव्यू के बेस पे इसको फिलअप किया जाएगा। सो गाइस, जिनके लिए इंग्लिश प्रॉब्लम था, जिनके लिए मैथ्स प्रॉब्लम था, जिनके लिए रीजनिंग प्रॉब्लम था, उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपका केवल और केवल इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू के बेस पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। सो गाइस, रेडी फॉर दिस एंड होप सो आप सभी इसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे। और आगे मैं आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि कैसे इसके अंदर आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा और उसमें आपको डॉक्यूमेंट फिल करते समय, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, क्योंकि ये आपका एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर इंटरव्यू के बेस पे आपको सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन इंटरव्यू से पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को, और शॉर्टलिस्ट में मेनली जिनका फॉर्म गलत होगा उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके साथ इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि 3 ईयर का आपको बॉन्ड फिलअप करना होगा। 3 साल से पहले आप जॉब नहीं छोड़ सकते। अगर आप जॉब छोड़ते हो तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा। सो गाइस, चलिए डिस्कस करते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या है और क्या किन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी, किन्हें फॉर्म फिलअप करना चाहिए, किन्हें नहीं करना चाहिए, या कौन लोग हैं जो कि आपका सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो चलिए गाइस, डिस्कस करते हैं। सो गाइज, इसके नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो आपका SBI ने जो अभी वैकेंसी निकाला है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। मींस आपका 3 ईयर के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर किया जाएगा, और जो कि रिन्यूएबल हो सकता है आपका 2 साल के बाद। जैसे कि आपका बैंक के साथ आपका कैसा रिलेशन रहता है या बैंक को रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उसके बेसिस पे उसको इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए जो आपका कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा वो 3 साल का रहेगा, और ये 3 साल का आपका एक बॉन्ड रहेगा। बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा। अगर आप उस जो 3 साल से पहले जॉब को नहीं छोड़ सकते, जॉब को अगर छोड़ते हो तो उस केस के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा इनको, है ना। और दूसरा अगर देखा जाए तो इसमें आपका केवल यही वैकेंसी जो एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है वही आपका एग्रीकल्चर पर्पज के लिए है, और यानी कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए है। बाकी जो सीनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है इसमें आपका बोल सकते हो कि ये वैकेंसी जो है कोई भी जो ग्रेजुएट पर्सन है वो फिलअप कर सकता है। और इसमें आपका देखा जाए तो 241 वैकेंसी है जो हमारे एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। मैं केवल इसी का डिस्कशन करूंगा, बाकी को इसको डिस्कस नहीं किया जाएगा। तो आपका 241 वैकेंसीज हैं। 241 वैकेंसीज को देखा जाए तो ये सारी के सारी वैकेंसीज आपकी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के द्वारा फिलअप की जाएगी। जनरल में आपकी 100 वैकेंसी है, OBC के लिए 64, SC के लिए 36, ST के लिए 18, और आपका EWS के लिए 23 वैकेंसीज हैं। सो गाइज, आपका इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 23 जून से स्टार्ट हो जाएगा, और वो आपका 13 जुलाई तक इसको फिलअप किया जाएगा। सो जल्दी से जल्दी गाइज इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्म कोई भी गलत मत फिलअप कर देना। उसमें आपको सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस वैकेंसी के लिए आपको ID प्रूफ, आपका सबसे पहले बेसिक रेज्यूम, अगर मैं इनकी बात करता हूँ, सबसे पहले आपका बेसिक रेज्यूम, उसके बाद आपका ID प्रूफ, और उसके बाद अगर देखा जाए तो एज प्रूफ आपका, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि BSc आपने एज ही किया है, उसके बाद अगर MSc भी हो या PhD हो तो उसको आगे आपने फिलअप करना होगा, और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कि बहुत मस्ट है गाइज, क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन को यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। MSc पर्सन को भी यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो MSc एग्रीकल्चर हो या MSc हॉर्टिकल्चर हो, सभी पर्सन इसके लिए क्या है, एलिजिबल है, और दोनों को ही क्या मिलने वाला है, इसमें आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। सो गाइस, ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस भी है, और जो लोग एग्जाम नहीं देना चाहते थे उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है। और इसकी अगर मैं बात करता हूं तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BSc होना चाहिए, यानी कि एग्रीकल्चर पर्सन को या रूरल इकोनॉमिक्स पर्सन को, यहां पर मेनली जो आपका रूरल इकोनॉमी या फिर जो आपका एग्रीकल्चर का पर्सन है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और एक्सपीरियंस पर्सन को भी प्रेफरेंस यहां पर मिलेगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस पर्सन यानी कि MSc है या हॉर्टिकल्चर है या उसके बाद आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो उन सभी पर्सन को क्या किया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके गाइस,
तो ये हमारा क्या है, इस पोस्ट के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और इसमें वर्क क्या होगा, कोई पूछे कि सर इसके अंदर रोल हमारा क्या हो सकता है, तो आपको पहले बता दूं कि इसके अंदर आपको मार्केटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, या आप जो आपका डेयरी या सॉरी आपका एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर के जो एलाइड सेक्टर हैं उनमें आपको क्या है कि उनके रिलेटेड लोन आपको इश्यू करना होगा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका जो एनुअल क्रेडिट प्लान है उसको सपोर्ट करना, उसको सजेस्ट करना कि कैसे जो है आप प्लान को या फिर जो आपका लोन दिया जा रहा है उसको कैसे लेआउट बना सकते हो, वो चीज किया जाएगा। उसके बाद आपकी जितने भी जैसे नाबार्ड है या फिर एग्री फाइनेंस या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनके साथ इंटरेक्ट आपको ही करना पड़ेगा ऑन द बिहाफ ऑफ SBI। सो गाइस ये आपका रोल है। इसमें अगर नेक्स्ट बात करूं तो आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर भी जो आपका मशीन या फिर ट्रैक्टर डीलर्स होते हैं जिसके आपको पता होगा आजकल सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती हैं, तो उनके साथ भी डिस्कशन आपका ही होगा। सो गाइस यानी कि कह सकते हो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी वर्क होंगे वो आपको मोस्टली हेल्ड करने पड़ेंगे। उनका प्लान, उनका लेआउट, उन सभी के जो आपका फर्दर कैसे उसको कैरी ऑन करना है ये सभी आपके हाथ में रहेगा। सो गाइज ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है, एक कह सकते हो कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसे ग्रैब कर लीजिए। एंड गाइज वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग ए बैच, और यू कैन से एक आपका इंटरव्यू सेशन हम प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट इसके लिए इच्छुक हैं, जो लेना चाहते हैं इंटरव्यू सेशन, वो ज्वाइन कर सकते हैं। दे कैन कॉन्टेक्ट मी एंड लिंक जो है वो आपका इस SBI के फॉर्म के फिल के लिए वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और इसका जो नोटिफिकेशन है उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे लिंक वहां पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। सो गाइज थैंक यू सो मच, मिलते हैं आगे आपके इन्हीं के कुछ फर्दर इंटरव्यू के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। ओके गाइज थैंक यू सो मच।